मैं जब पहले YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था तब लगता था अच्छे वीडियो के लिए अच्छा कैमरा होना चाहिए। देन कुछ वीडियोस बनाने के बाद लगा माइक भी अच्छा होना चाहिए जिससे वॉइस क्वालिटी बेहतर होगा। फिर से कुछ वीडियोस बनाए, YouTube के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन किया, फिर लगा वॉइस के साथ साथ लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट है जिससे वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव होगा। फिर धीरे धीरे पता चला वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए चाहिए गुड एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग स्किल। और अब लगभग 3 सालों से YouTube वीडियोस बनाने के बाद इस चैनल पर नहीं रियलाइज किया कि एक ग्रेट कंटेंट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है स्टोरी। फिर तुम चाहे फोन पे वीडियो शूट करो या इस माइक से ही बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जमाना तो है स्टोरी टेलिंग का और स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले से ही है, लेकिन ज्यादातर वीडियोस में एडिटिंग ट्रिक्स और बोलने का स्टाइल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा स्टोरी टेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। शायद हो भी जाएगा, लेकिन सिर्फ टेलिंग स्टोरी नहीं। बट सच में बेहतर स्टोरी टेलिंग के लिए चाहिए एक अनोखा स्टोरी। बट मेरे पास तो स्टोरी है। हाँ, वो सबके पास है, लेकिन सवाल ये है कि उसे यूनिक कैसे बनाएं। उसी सवाल का जवाब आज देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है, एक गुड स्टोरी टेलर होने के लिए चाहिए एक ग्रेट स्टोरी, और ग्रेट स्टोरी पाने का सबसे आसान तरीका है जो कोई नहीं बताता, बाहर निकलो, एक्सपीरियंस इकट्ठा करो। घर पर बैठे बैठे तुम एक अच्छे स्टोरी टेलर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि सुनाने के लिए दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए जो तुम्हें मिलेगा बाहर निकलने से, नेचर के पास, इंसानों के पास, सड़कों पे, दुकानों में, सब जगह पर। लेकिन ऑर्डिनरी स्टोरीज को यूनिक तरीके से देखने के लिए चाहिए यूनिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर बार तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही यूनिक इंसिडेंट्स नहीं होंगे, जैसे आधार कार्ड का फोटो पहचानने लायक होना या फिर नाम का स्पेलिंग सही आ जाना। इसीलिए तुम्हारा नजरिया को बदलना पड़ेगा, और नजरिए को बदलने का सबसे अच्छा तरीका, सच बता रहा हूँ, सुनने में बोरिंग लग सकता है लेकिन इफेक्टिव है, लिटरेचर पढ़ो, अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करो, अलग टाइप के लोगों से मिलो, साहित्य के माध्यम से अलग अलग राइटर्स का नजरिया को समझने की कोशिश करो। पता है सुनने में बोरिंग लग रहा है, लेकिन सच में इससे तुम्हारा नजरिया चेंज होगा। किसी भी ओपिनियन को बिलीव मत करो, ये सही है ये गलत है ऐसे डिवाइड मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करते ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं भी हूँ। कोई बात नहीं, इंट्रोवर्ट ही रहो, लेकिन एक इंट्रोवर्ट के दृष्टिकोण से ही ऑब्जर्व करते रहो। जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस और नजरिया समृद्ध होता चला जाएगा। और इसी चीज की आज कमी है। अकॉर्डिंग टू मी एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलेंडर पे 2002, तुम एक हॉस्टल पर रहने वाले स्टूडेंट हो जिसको रात के 9 बजे कुछ अलग खाने का मन किया। तो फिर मेरे लिए एक पिज्जा। ऑर्डर नहीं दे रहे हम। तब तुम क्या करोगे? रूम से बाहर निकलोगे, दरवाजे पर चाबी लटका कर दुकानों में जाओगे और खाना लेकर वापस लौटोगे। बात को अच्छे से समझना। तुम घर से बाहर निकल के रास्ते से एक दुकान पे जाओगे। इसके अंदर ही बहुत कुछ घटनाएं घट सकते हैं। क्या पता रास्ते पर तुम्हें एक्सीडेंट दिख जाए, या फिर एक बहुत पुराना दोस्त के साथ मुलाकात हो गया। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉसिबिलिटीज हैं। या शायद दुकान पर जाकर देखा दुकान बंद है, तो तुम फ्रस्ट्रेटेड होकर गली गलौज करते करते वापस आ गए। अब तुम्हारे लिए जितना ही मामूली और खराब एक्सपीरियंस क्यों ना हो, है तो ये एक्सपीरियंस ही। लेकिन अब अगर तुम्हें कभी भी खाना चाहिए तो तुम सिंपली अपना फोन लोगे और जोमेटो या स्विगी पे ऑर्डर करोगे और खाना घर पे पहुंच जाएगा। इससे वो छोटे छोटे पॉसिबिलिटीज अब नहीं रहे। हमारा लाइफस्टाइल के वजह से, आजकल एआई के वजह से एक्सपीरियंस का सोर्स को हम कम करते जा रहे हैं, और इसी के साथ बढ़ रहा है मोटापा और कम हो रहा है क्रिएटिविटी। इसलिए आजकल रिलीजन एंड रीमेक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है फिल्म बनाने के लिए। अब स्टोरी का एक सिंपल एंड बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसको हम बाद में तोड़ के यूनिक बनाएंगे। एक स्टोरी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, द इंस्पिरेशन, द प्लान, द जर्नी एंड प्लॉट ट्विस्ट, द एंडिंग। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। एक स्टोरी को बोलने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करना जरूरी है, जिससे व्यूअर्स जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। अगर कुछ बता रहे हो, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेल द स्टोरी, कोई जर्नी हो तो कहां से इंस्पिरेशन मिला इस जर्नी को शुरू करने के लिए, या फिर व्यूअर्स के लिए ये वीडियो क्यों जरूरी है वो बता सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अर्जुन एक दिन घर पर टीवी देख रहा था और टीवी पे उसने किसी को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा, जो चोटी पर पहुंचकर बहुत खूबसूरत नजारा देखता है। ये देखने के बाद अर्जुन भी पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार होने लगा। यहाँ पर वो खूबसूरत नजारा ही इंस्पिरेशन है। द ब्यूटी ऑफ द सीन इंस्पायर्ड अर्जुन टू क्लाइंब द हिल। और इस वीडियो से तुम्हें अगर इंस्पिरेशन मिलता है तो जरूर सब्सक्राइब करना। इसमें तुम अपना प्लान बताओगे, लाइक तुम्हारा विजन क्या है इस गोल को लेकर, जर्नी को तुम कहां से शुरू करना चाहते हो। लेकिन इसके ट्यूटोरियल इस वीडियो में कैसे अप्लाई कर सकते हो? जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि मैं जब YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था तब मुझे लगता था अच्छा कैमरा, लाइटिंग, माइक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे रियलाइज किया एक ग्रेट कंटेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अनोखा स्टोरी। तो यहाँ पर वो रियलाइजेशन इंस्पिरेशन है इस वीडियो को क्रिएट करने का। और फिर मैंने बताया कैसे एक ऑर्डिनरी स्टोरी को यूनिक बनाते हैं, वो इस वीडियो में समझेंगे। यही है प्लानिंग। जैसे अर्जुन के लिए प्लानिंग होगा कौन सा रास्ता उसके लिए कम मेहनत का होगा वो ढूंढना, कहाँ कहाँ वो रुकेगा, क्लाइंबिंग के लिए वो अपने साथ क्या ले जाएगा, ये सब डिसाइड करना।
जिसमें तुम एक्चुअल एक्सपीरियंस को दिखाओगे। जैसे इस वीडियो के लिए मैं अभी जो बता रहा हूँ यही है मेरा जर्नी, और यहीं पर लोग अपने स्टोरी को परफेक्ट बनाने के लिए गलतियाँ कर बैठते हैं। जर्नी के अंदर तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स को, अपने लाइकिंग्स को ऐड करते जाना है, अपने फॉल्ट्स को भी दिखाना है जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा, बिकॉज किसी के लाइफ परफेक्ट नहीं है। अर्जुन के लिए ये होगा पहाड़ियों पर चढ़ना, कैंपिंग करके रात बिताना, ठंड लगना, ये सारे एक्सपीरियंस। यहाँ पर तुम्हारा मकसद होना चाहिए जो तुम फील कर रहे हो वही वर्ड्स के थ्रू या विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू ऑडियंस को फील कराना। स्टोरी के एंडिंग में कॉन्क्लूजन दोगे, तुम्हारा गोल पूरा हुआ कि नहीं वो दिखाओगे। अगर कुछ लेसन तुम्हें सीखने को मिला तो वो भी शेयर करोगे। सफर अगर बुरा भी हुआ फिर भी सच ही शेयर करना चाहिए, अल्टीमेटली ऑडियंस को भी इंस्पायर कर सकते हो अपने जर्नी के थ्रू। जैसे अर्जुन पहाड़ के चोटी पर पहुंचकर ऊपर से नजारा को देखता है और रियलाइज करता है टीवी पे वो जो देखा था नजारा उससे 100 गुना बकवास है, सब कुछ VFX का कमाल था। अब तुम्हें लगा शायद ये प्लॉट ट्विस्ट वाला पार्ट को भूल गया है, बट नहीं, यही इस वीडियो का प्लॉट ट्विस्ट है। और जहां पर सब कुछ खूबसूरत होना चाहिए था वहां पर सब कुछ बकवास निकल गया VFX की वजह से। यही अर्जुन का स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट है जिसको मैंने जानबूझकर एंडिंग में डाला। ट्यूटोरियल्स वीडियो में तुम ट्विस्ट ऐड कर सकते हो जैसे मैंने किया, लेकिन जबरदस्ती सारे वीडियोस में ट्विस्ट डालने की कोई जरूरत नहीं। एक बेसिक स्टोरी का यही स्ट्रक्चर है। अब इन मेन 4 पॉइंट्स को तुम आगे पीछे करके कम ज्यादा करके एक यूनिक स्टोरी बना सकते हो। किसी में प्लॉट ट्विस्ट पहले ही डाल दिया, प्लानिंग वाले पार्ट को पूरी तरह से हटा दिया, या फिर सीधा जर्नी से ही वीडियो को स्टार्ट कर दिया, देन आखिर में इंस्पिरेशन बताया। ऐसे हजारों तरीके से तुम अपने स्टोरी को डिजाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया के वजह से आजकल हम सब परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और परफेक्शन के पीछे दौड़ते दौड़ते ओरिजिनलिटी खो रहा है। तो अपने स्टोरीज को अनोखा और सच रखने की कोशिश करो भले ही वो ग्रेट ना हो। और कलर ग्रेडिंग के पीछे भी कुछ साइंस है जिसको समझकर अगर कलर ग्रेडिंग करोगे तो कंटेंट नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और हाँ, ये तो सिर्फ स्टोरी था, टेलिंग वाले पार्ट के लिए कमेंट्स चाहिए बहुत सारे। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। इसीलिए आजकल रिलीजन